हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक क्लिक पे कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक फ़ोटो ओपन कर लीजिए जिसको आपको पासपोर्ट साइज में बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक फ़ोटो लेता हूँ, इसको ओपन करने के बाद इसको आप क्रॉप कर लीजिए। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, साइज़ दे दीजिए पासपोर्ट साइज़ जो भी आपको देना है, यहाँ पर 3 देन 4.5। इसको आप क्या करना है, क्रॉप करके ये देखिए एंटर करना है। ये क्रॉप होने के बाद अभी आपको क्या करना है, एक्शन बटन का यूज़ करना है। किस चीज़ का, एक्शन बटन का। एक्शन बटन आपको मिलेगा विंडो में, ये रहा एक्शन। इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, Alt F9। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने पहले से ही एक एक्शन बटन अप्लाई करके रखा है, मैं उसको आपको प्ले करके बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए प्ले करने के लिए यहाँ पर प्ले का ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए ये फ़ोटोज़ आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाएगी। ये देखिए फ़ोटोज़ हमारे क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसको क्लोज करके नो कर दें, कैंसिल। ये जो पहले का जो सेट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट बटन का की यूज़ करके हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सेट यहाँ पर दिया हुआ है, हमको क्या करना है, ठीक है, फिर से फ़ोटो को क्लोज़ करते हैं, फिर से एक फ़ोटो लेते हैं। ये फ़ोटो लेने के बाद दोस्तों हमको करना क्या है, सिंपली उसको पहले क्रॉप करना है। ये क्रॉप हो गया, क्रॉप करने के बाद एंटर किया, ये हमारा फ़ोटो क्रॉप हो गया। अब हमको रिकॉर्डिंग करना है, यहाँ से क्रिएट अ न्यू एक्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वो आपको एक्शन पूछेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे देता हूँ फ़ोटो, उसके बाद यहाँ पर एक्शन की ले लेता हूँ मैं F3। ठीक है, F3 पे प्रेस करने से हमारा ये एक्शन रन होगा। रिकॉर्ड करना है हमको। अब रिकॉर्ड क्या करना है हमको, पहले तो ये फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल A से, उसके बाद हम यहाँ पर जाकर फील एंड स्ट्रोक में इसका जो है आउटलाइन जो है वो 10px करके ओके करते हैं। ये आउटलाइन हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, फाइल इसको कॉपी कर लेना है। क्या करना है, कॉपी, Ctrl+C, यहाँ से हम Ctrl+C प्रेस करते हैं, ये कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद हमको न्यू लेयर लेना है, यानी कि न्यू फाइल लेना है। ये ओपन किया, यहाँ पर हम लेते हैं इंटरनेशनल पेपर, यहाँ पर A4 साइज़ को रेजोल्यूशन जो है वो 300 रख के ओके करते हैं। ठीक है, ये होने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, Ctrl+V, ये पेस्ट हो गया। अब इस फ़ोटो को जो है हमको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इस फ़ोटो को जो है हमको यहाँ ऊपर लेके जाना है फ़ोटो को। ये फ़ोटो यहाँ पर हमने पेस्ट किया, अब इसका जो है और एक एक कॉपी बनाना है आपको दोस्तों। तो उसके लिए आप Alt+ प्रेस करना है कीबोर्ड से और माउस को ड्रैग करके लेना है। ये और एक एक कॉपी बन गया, देख रहे हैं आप, फिर से एक कॉपी। ऐसे जो है आपको A4 साइज़ पे पूरे फ़ोटो सेट करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एक करके सेट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए आपका एक्शन भी रिकॉर्ड होते जा रहा है, ये हो रहा है। इसको आप रन कर लीजिए, सिंपल है, ये हो गया। इससे यूज़ क्या होगा दोस्तों, आप कोई भी फ़ोटो को क्रॉप करके जब ये एक्शन प्ले करोगे तो आपने जो एक्शन रिकॉर्ड किया है वो फ़ोटो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ये देखिए ये हो गए, ये देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जितने भी फ़ोटोज़ आपके A4 साइज़ पे एग्जस्ट होते हैं आप उतना कर लीजिए। सिंपली है, बहुत आसान है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बटन मिलेगा स्टॉप प्लेइंग रिकॉर्डिंग, जस्ट इसको क्लिक करना है, ये हो गया स्टॉप। अब देखिए ये फ़ोटो मैं क्लोज़ करता हूँ विदाउट सेव के, क्लोज़ कर दिया। इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ, फिर से एक फ़ोटो ओपन करता हूँ, कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं दोस्तों। ये ओपन किया, अब इस फ़ोटो के ऊपर मुझे क्या करना है, सिंपली जो है वो ये एक्शन प्ले करना है। यहाँ पर देखिए इसका जो शॉर्टकट है F3, और यहाँ से आप इसको प्ले भी कर सकते हैं। देखिए मैं प्ले करता हूँ, ये F3 प्रेस किया या प्ले किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली एक्शन हो रहा है।
आपके जितने भी फोटोज़ हैं ये देख लिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली जो है आपके सारे फोटोज़ जो है वो पासपोर्ट साइज़ के यहाँ पर बन चुके हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसको यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और जितने भी पासपोर्ट फ़ोटो आपको बनाना है आप बना सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।